दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एंड फिगर में। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में अजीबोगरीब हैं और जिन्हें शायद हम में से कुछ ही लोग जानते होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें सबसे पहले आता है टार्डीग्रेड। ये एक ऐसा जीव है जिसे वाटर बियर भी कहते हैं। ये जीव दुनिया के हर कोने और हर जगह पर पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी ये मिलता है। इसका साइज लगभग 1 मिलीमीटर से भी कम होता है जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है और कुछ भी खाकर जिंदा रह सकता है, जो कि काफी अजीब जीव लगता है। ये अपने बच्चे हर तरीके से पैदा कर सकता है। दोस्तों दूसरा है मिमिक ऑक्टोपस। ये एक ऐसा ऑक्टोपस है जो बड़े ही आसानी से अपना रंग बदल सकता है। और तो और ये समुद्र में रहने वाले लगभग हर जीव का शेप भी हूबहू ले सकता है, जैसे कि समुद्री सांप, स्टारफिश और लॉयन फिश। ये जीव बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों ये जो जीव आप अभी देख रहे हैं इसका नाम मैं भी नहीं जानता। ये महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा तहसील के पहाड़ी इलाकों में मिला है। इलाके के लोगों ने जब उन्हें जंगल में देखा तो ये बात पुलिस को बताई। पुलिस इस जंतु को पकड़कर थाने ले गई। वहां देखने वालों की भीड़ लग गई। देखने में तो ये बिल्कुल इंसानों की तरह है, वैसी ही आंखें, शरीर की बनावट, बाल भी हूबहू इंसानों की तरह, लेकिन उनके बच्चे बंदरों की तरह से हैं और उनकी पूंछ काफी सख्त है। दोस्तों अगला है बुलेट आंट। दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में से ये एक है। बुलेट आंट के काटने के बाद जो दर्द होता है वो इतना असहनीय होता है कि जैसे किसी ने बंदूक की गोली मार दी हो। शायद बंदूक की गोली लगने से भी ज्यादा दर्द इस चींटी के काटने पर होता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक है। दोस्तों ये है केंचुआ। वैसे तो आप सब केंचुए के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस साइज का केंचुआ शायद ही आपने देखा होगा। सबसे बड़ा और सबसे लंबा केंचुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले केंचुए की लंबाई 12 फुट तक होती है और लगभग 10 इंच मोटा होता है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े केंचुओं में से एक माना जाता है। दोस्तों ये है प्लेटिपस। स्तनपाई जीव होकर ये अंडे देती है, पर जब ये अंडे देती है तो स्तनपाई कैसे हो सकती है? वो ऐसे क्योंकि ये अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्तन नहीं है तो दूध कैसे पिला सकती है। ये अपने बच्चों को अपनी स्किन से दूध पिलाती है जो पसीने की तरह निकलते हैं। दोस्तों ये है एटलस मोथ। ये एक ऐसा जीव है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये तितली की प्रजाति से है। इसके पंख लगभग 24 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसके पंखों के डिजाइन देखने में एकदम सांप की तरह दिखते हैं। इसका ऐसा डिजाइन दूसरे जीवों से बचने के लिए होता है। दोस्तों ये है स्कॉर्पियो यानी बिच्छू। अब आप कहेंगे इस बिच्छू में क्या विचित्र है। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि बिच्छू अपने बच्चों को कैसे पैदा करता है। बिच्छू के बच्चे बाकी इंसेक्ट्स की तरह अंडे से पैदा नहीं होते, बल्कि बिच्छू के बच्चे अपनी माँ के पीठ यानी बैक से काट कर निकलते हैं और बिच्छू केवल एक बार ही लगभग 100 बच्चों को जन्म देती है। उसके तुरंत बाद वो मर जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे अजीब जीव जो शायद हमने पहले नहीं देखे होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।